हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इन नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका न्यूरॉन्स का, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, ये वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से दो तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। पहला है आपका ग्रेडेड पोटेंशियल और दूसरा है आपका एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यूज़ होता है, और एक्शन पोटेंशियल जो इम्पल्स होती हैं वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीन्स ब्रेन टू हैंड, ब्रेन टू लेग टाइप कम्युनिकेशन के लिए एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। ठीक है, और इसे नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो भी एक्शन पोटेंशियल आपका नर्व्स में न्यूरॉन्स में प्रोड्यूस होता है, अगर होता है, उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, जो ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल का प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है दो बेसिक फीचर्स पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो बेसिक फीचर्स पे। पहला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन चैनल्स। मीन्स जो भी ग्रेडेड पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल हम न्यूरॉन्स में जनरेट होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट है कि नहीं और आयन चैनल्स प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जो होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैरी करते हैं, और जो उसके मेम्ब्रेन के आगे पीछे जो होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरॉन्स और मसल्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, पहला हो गया लिक्विड चैनल, दूसरा हो गया लिगैंड गेटेड चैनल, तीसरा है आपका मैकेनिकली गेटेड चैनल, और चौथा है आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो पहला है लिक्विड चैनल। लिक्विड चैनल जो होता है वो रैंडमली ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, मतलब वो सेल्फ प्रोसेस्ड है कि अचानक से खुलेगा और फिर अचानक से क्लोज हो जाएगा। नियरली ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट, सेल बॉडीज और एक्सॉन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है, यहाँ पे आपका ये लिक्विड चैनल है। ठीक है, और ये जो आपके आयन्स हुए जो एक्सचेंज होते हैं जब ये ओपन होता है। तो सेकेंड है आपका लिगैंड गेटेड चैनल, ये आपका लिगैंड गेटेड चैनल है, ये ओपन होता है जब कोई लिगैंड बाइंड करता है तो उसके रिस्पांस में ये ओपन होता है, और आयन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड साइटोसोल। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये साइटोसोल है। ठीक है, ये जो लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं आपको सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। ठीक है, जैसे कि पेन रिसेप्टर्स और इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज में। ठीक है, थर्ड है आपका मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ये मैकेनिकली गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो मैकेनिकल स्टिमुलस, जैसे कि जब कोई टच करे या किसी तरह का कोई प्रेशर फील हो, वाइब्रेशन हो या फिर टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है, उसके रिस्पॉन्स में ये आपके मैकेनिकली गेटेड चैनल ओपन होते हैं, और आयन्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसोल के। ये मेनली आपके प्रेजेंट होते हैं कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में। ठीक है, जैसे कि टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, इन सब में। फोर्थ है आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो जब कोई वोल्टेज स्टिमुलस होता है या फिर चेंज होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तब ये ओपन होते हैं, और ये लगभग जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।